नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल अमेजिंग इफ़ाक पर। तो दोस्तों, भले ही आईपीएल की सीजन में पंजाब की प्रदर्शन खराब रहा है, लेकिन केएल राहुल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। टीम टूर्नामेंट से बाहर होते हुए भी केएल राहुल ऑरेंज कैप का दावेदार थे। आपको बता दें कि आईपीएल खत्म होने के बाद फिर से एक बार केएल राहुल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और इस बार क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड आतिया शेट्टी के लिए है। तो दोस्तों, क्या है पूरी मामला, अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड के बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई दिनों से खबरें वायरल हो रहा है कि केएल राहुल का अफेयर बॉलीवुड की अन्ना सुनील शेट्टी की बेटी आतिया शेट्टी से चल रहा है, और ये दोनों को कई बार एक साथ भी देखा जा चुका है। दरअसल ये अफेयर की खबरें 5 नवंबर से वायरल हो रहा है। 5 नवंबर के दिन आतिया शेट्टी का बर्थडे था, और उसी दिन केएल राहुल अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर आतिया शेट्टी के साथ खींचे हुए एक फोटो पोस्ट किए थे, और पोस्ट के साथ राहुल ने लिखा हैप्पी बर्थडे मेरे चाइल्ड, और इस तस्वीर की रिप्लाई आतिया शेट्टी दिल की इमोजी के जरिए दिए थे, और हार्दिक पांड्या कुणाल पांड्या भी दिल की इमोजी देकर बधाई दिए थे, और बॉलीवुड की कई सारे सेलिब्रिटी भी। और यह इकलौता ऐसा मौका नहीं, कई बार आतिया शेट्टी और केएल राहुल को एक साथ देखा जा चुका है। पिछले साल न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ थाईलैंड गए थे, और उस वक्त ये दोनों की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और इसके बारे में आतिया के पिता सुनील शेट्टी से जब पूछा गया तो सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं मेरे दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, और ये किसे पसंद करे मुझे इसमें कोई अतराज नहीं है। और राहुल की इस तस्वीर को देखकर फैंस तो कंफर्म हो गए हैं कि ये दोनों लव वार्स हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।